भाई साहब समुद्र के बीच में आ चुके हैं। हालांकि शिप को लेकर बहुत सारे लोगों के डाउट भी होंगे कि शिप कितना हिल रहा है कितना नहीं। व्यू दिखाओ तो अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो 5 डे पर डे लगेगा। तो अगर आप इंडिया से हो और इंडियंस की आदत है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जमने वाले। तो जो लोग मतलब बालकनी वाला रूम नहीं लेना चाहते, थोड़ा सस्ता रूम चाहिए, उनके लिए ये वाला ऑप्शन भी है। तो लो यार अपनी कॉफी लेकर आ गए हैं हम दोनों, तो बैठ गए यहाँ पर पीने के लिए। अपने पास यहाँ पे पीछे के अच्छे खासे नजारे। तो लो भाई अब अपन ने पूरा ब्रेकफास्ट ले लिया है, मेंदू वड़े टाइप की कुछ चीजें हैं, तो अपना पासपोर्ट और ये सारी चीजें ले ली, अब चलते हैं इमिग्रेशन कराने के लिए। तो फाइनली यार अभी क्रूज चल रहा है, चल उस तरफ मैं इस तरफ जा रहा हूँ, हवा में हालांकि हमें ज्यादा फोन को रिक्स में नहीं डालूंगा, वरना पता पड़ा है टपक गया, मेरे ब्लॉग्स भी अटक गए, सारी चीजें अटक गई। सुबह इतना नहीं हिल रहा था और पता भी नहीं पड़ रहा था, बट अभी शाम को से ना थोड़ा ज्यादा हिल रहा है। पर ये बता दूं कि ये जो क्रूज है ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज है जो कि मुंबई से दुबई के यहाँ पे जा रहा है। 6,000 से ज्यादा मेंबर इसके अंदर ऑन बोर्ड है। नमकीन बहुत तो मैं होके तो आया पानी में, नमक नमक ऐसा लग रहा है समुद्र से पानी उठा ही लिया है। सब लोगों को कितना मजा आ रहा है, डॉलर ही डॉलर पड़े हैं यहाँ पर, खूब सारे उठा लो। फाइनली दोस्तों day 1 हमारा क्रूज पे स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग उठने में। बाहर आ चुकी है धूप और ये शिप लेट नाइट को निकली थी, तो अब दिखाता हूँ आपको बाहर का समुद्र के नज़ारे। भाई साहब समुद्र के बीच में आ चुके हैं, देख सकते हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ यार बालकनी रूम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम यहाँ बैठ के पूरे इस कह सकते हैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि यार थोड़ा नीचे करके देखते हैं, बस डायरेक्ट मोबाइल गिरे नहीं। ओह क्या बात है। सो फाइनली दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के फ्रेश व्लॉग के अंदर। day 1 हमारा क्रूज पे स्टार्ट हो चुका है, हालांकि यार थोड़ा लेट तो हो गए उठने में, लेकिन ये जो नज़ारे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको देख के तो यार दिल खुश हो जाता है। आप खुद देखो यार कितना प्यारा है, एक ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है एंड मतलब इस चीज़ का यार ड्रीम करते थे। और मेरा 1.5 साल से प्लान भी था कि मैं शायद मुंबई टू गोवा वाले क्रूज में जाऊँगा, पर मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई टू दुबई वाले क्रूज में जाऊंगा और वो भी इस तरीके से इतने बड़े सरप्राइज के साथ में। अगर पूरा पीछे का एनवायरनमेंट देखो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वर्थ इट है एक्सपीरियंस। हालांकि शिप को लेकर बहुत सारे लोगों के डाउट भी होंगे कि शिप कितना हिल रहा है कितना नहीं, पर बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा, बहुत माइन्यूट सा हिल रहा है। अब तक वो पानी के ऊपर कोई चीज चलेगी तो सीधी बात है ना यार, थोड़ा बहुत तो हिलेगी हिलेगी, लेकिन अभी तक मैं अभी खड़ा हूँ, स्टेबल है, बस हवा भी चल रही है एंड कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखो यार, मतलब वेव्स जो इसकी बन रही है ना सुपर है। हालांकि अभी जो दुबई है वो अगर मुंबई से बात करें तो लगभग 1900 से 2000 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और ये शिप बहुत लेट चला क्योंकि हम लोग सोते होते हमें भी 1:30 बज गई थी रात की, आई थिंक 2 या 3 बजे के आसपास ही चला होगा। और जब ये चला था तो जब मैं सो भी रहा था तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टर्बुलेंस है, लेकिन इट्स ओके यार, फिर भी आपको बहुत हद तक यहाँ पे चीज़ें जो है वो मैनेजेबल मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ में अगर बात करें तो ये दुबई पहुँचेगा लगभग 2.2 डेज़ के अंदर, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। हमने कल इसको बोर्ड किया था जब मैंने आपको पूरे ब्लॉग दिखाया, आज का हमारा पूरा दिन है, पूरी आइटनरी है। अब आइटनरी में क्या क्या वो मैं शेयर करता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है कि क्या क्या आइटनरी में दिया हुआ है, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर करूँगा। कल के दिन भी हम पूरा क्रूज में है तो कल भी आपको दिखाऊँगा एंड कोशिश करूँगा, क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे, सुबह 3 बजे के उठे हुए थे, तो कल अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों को सुबह 6 या 7 बजे जो सनराइज़ होता है वहाँ के शॉट्स दिखाऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा मजा आए। एंड अभी भी चलेंगे ऊपर, पर हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं
ऊपर की तरफ एंड दुबई भी हम पहुंच जाएंगे आज का दिन, कल का दिन और आधा दिन और, मतलब 2.2 डेज के आसपास या 2.5 डेज के आसपास आप उसको आराम से मान सकते हो। तो फिलहाल में तो यार ये पूरा समुद्र नीला नीला देख के आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कसम से, मतलब दूर दूर तक आप देखो, मुझे भी लगता है फ़ोन भी जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा जितना ये प्यारा, जितना ये चीज़ें दिखा रहा है। और अगर मैं आपको नीचे का एक बार व्यू दिखाऊं, ये सारा कुछ नीचे का व्यू है, ये कुछ सामने का व्यू है, कुछ बाहर के व्यू की अगर बात करें आगे की, तो ये था फ्रंट का व्यू एंड बैक की व्यू, तो ये था यार बैक का व्यू। हालांकि हमें ज्यादा फोन को रिक्स में नहीं डालूंगा वरना पता पड़ा है टपक गया, मेरे ब्लॉग्स भी अटक गए, सारी चीजें अटक गई। तो चलो अब अंदर चलते हैं और इसको खोलना है लिटरली एक टास्क है, इसको खोल के खींचना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसमें जोर लग जाता है। तो ये है भाई अपना रूम बहुत तेज लगता है, ये है विंडो, अगर इसको हटा देंगे तो पूरे रूम में लाइट्स यहाँ से आ जाएंगी। एंड ऑलरेडी मैंने लाइट ऑन कर दी है, इसके जस्ट पास में हमें एक स्विच मिल गया था, इसके भी लैंप पे इसके भी कुछ स्विचेस हैं। यहाँ पे बात करें तो ये कुछ इंटरनेट पैकेजेस हैं जो मैंने कल आपको बताया नहीं थी, तो अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर आप WhatsApp चलाना चाहते हैं तो 5 डे पर डे लगेगा, WhatsApp के अदर सोशल मीडिया तो 10 डे पर डे, WhatsApp के साथ अगर आप इंटरनेट, ईमेल, VPN $17 पर डे, जिसमें ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंटरनेट हो गया, एंड लास्ट वाला है पर मिनट जो कि $0.25 पर मिनट के आसपास है। तो ये QR कोड है, सारी डिटेल्स है कोस्टा इस वाले की जो कि आपको इंटरनेट की यहाँ पे मिलती हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इस तरीके का कार्ड ही है हमारे पास जिससे हम इसके अंदर एक्सेस कर पाते हैं, और इसके साथ ही इसी से पेमेंट होगा और इसमें ही क्रेडिट कार्ड लिंक भी करना पड़ता है। अगर आपके पास बाकी कुछ करेंसी है लाइक डॉलर, यूरो, तो उसको आप इसमें टॉप अप करवा सकते हो। हालांकि पानी की बॉटल का मैंने कल बताया था, तो ये तो अभी वो हमें एक और एक्स्ट्रा दे गए हैं आज सुबह उठते ही, आई थिंक सो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी। यहाँ पर हमारे पास है ये टी बनाने का और कुछ पैकेट्स हैं जो कि टी के ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इधर कुछ चार्जिंग सॉकेट्स है, तो हमने अपने चार्जिंग सॉकेट लगा लिए थे, डैक लगा ली है। यहाँ पे प्रेस मना है तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना, USB टाइप सी है। एंड टेलीफोन है, तो अगर आपको किसी और रूम में आपकी फैमिली रुकी है आपको कॉल करना है तो कर सकते हो। अलमीरा है जिसमें हमने सामान भर दिया है, बाकी सब तो यहाँ पे है, ये नॉर्मल अपना सोफ़ा एंड सारी चीज़ें। और इस तरीके का कुछ लुक है जो कि कैबिन का आ रहा है, और कैबिन के बाहर आप विंडो में से देखोगे तो भी यहाँ पे क्लियर समुद्र आपको दिखेगा। हालांकि अगर इस क्रूज पे आ रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल कि ये जो टॉयलेट है ये इंडिया नहीं है, इसमें कोई भी आपको फ्लश नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलता है टॉयलेट पेपर जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, हालांकि हमने कुछ जुगाड़ जमाया है और हम यूज कर रहे हैं इस शॉवर को एज अ फ्लैश, आप यहाँ पर समझ सकते हो। और बाकी टॉवल्स और ये सारी चीज़ें हमें मिली थी, लेकिन ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो अगर आप इंडिया से हो और इंडियंस की आदत है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जमने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लीनिंग वाले भैया भी आ गए अपना सारा सामान लेके, और वो ऑलरेडी हमारे रूम को क्लीन कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाए। तो ये जितना भी हमने मेस फैलाया है ये सारा ऑलरेडी यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो हम लोग आइटनरी का देख रहे थे कि आइटनरी कहाँ पे मिलती है, आज के दिन में हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर जो क्लीनिंग बॉय थे उन्होंने बताया कि ये जो हमारा बॉक्स होता है इसके अंदर ही वो रेगुलर आइटनरी को यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आइटनरी आ चुकी है जिसकी हाइलाइट्स आप देख सकते हो कि कौन सी बजे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिलेंगी। तो चलो यार, अब ब्रेकफास्ट के लिए हमें चलना है, डेक नंबर 9 के ऊपर बुलाया, लेकिन उससे पहले मुझे एक रूम मिला है, हमारे रूम के जस्ट सामने ये रूम देख सकते हो, हालांकि इसमें कोई खिड़की विड़की नहीं है, यहीं पे वॉशरूम है और बाकी सारा जो आइटम इन्होंने दे रखा है वो है। तो जो लोग मतलब बालकनी वाला रूम नहीं लेना चाहते, थोड़ा सस्ता रूम चाहिए, उनके लिए ये वाला ऑप्शन भी है। बहुत सारे ऑप्शन है यार, 2-4 टाइप के रूम है, मैं अभी तो हम सिर्फ एक आधी यहाँ पे देख पाए हैं, बट अच्छा खास है। तो चलो ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ कि आज हमें क्या क्या मिलेगा, बाकी आके देखते हैं कि आइटनरी में और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यार ये वाली लाइन तो स्पा के लिए लगाई है, तो ये सब तो यहाँ पर स्पा और वो सारी चीज़ें करेंगे। अपन को जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मिल गए, मैं आपको ढूंढ रहा था, तो किधर है अपना ब्रेकफास्ट? अच्छा उस तरफ, वाओ। तो ये जगह है जहाँ पे कि इवेंट्स भी हो रहे हैं यार, हो रहा भाई सामने 20, ये रहा छोटा स्विमिंग पूल। तो लगे स्विमिंग पूल पार करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देख सकते हो सभी लोग की अच्छी खासी भीड़ लगी है।
एंड यहाँ पे सारी मशीन है, तो यार पहले हम कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं और फिर लेते हैं बाकी की चीज़ों को भी। ओ भाई साहब व्यू तो देखो, यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग आने वाला है। मुझे ना सच्ची में लगा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रेकफास्ट एरिया होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा यार, ह्यूज, मतलब देख रहे हो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार अपन पार करते ही जा रहे हैं। और सामने जो नज़ारा है वो तो एक अलग ही है। चलो यार सबसे पहले कॉफ़ी लेने के लिए अपन ले लेते हैं यहाँ से मक्का, ओके, और यहाँ से अपन को इसको लेना है, बस इसको करते हैं फ्रेश। कॉफ़ी में काली कॉफ़ी है? नहीं, ये दूध है ना यहाँ पर, ये इसमें हॉट मिल्क। तो यार ये आ गया अपना कॉफ़ी, अब वहाँ से अपन डालते हैं इसमें थोड़ा सा मिल्क। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, तो ये बन गई अपनी स्पेशल कॉफी। ये भी चाय है साइड में, इस वाले में। एंड शक्कर की बात करें तो यहाँ पर ही है आई थिंक, नहीं ये नहीं है, कुछ और ढूंढते हैं। तो लो यार अब अपनी कॉफ़ी लेकर आ गए हैं, हम दोनों तो बैठ गए यहाँ पर पीने के, साथ में अपने पास यहाँ पे पीछे के अच्छे खासे नज़ारे, तो इन्जॉय करते हैं इस व्यू के साथ में अपनी मछली। तो ये वाला जो एरिया है यार, ये अभी बेसिकली नॉनवेज है और हम लोगों को वेज एरिया के लिए जाना है, तो हम जाएंगे इसके उस तरफ में। बाकी यहाँ की आप देख ही सकते हो कि ब्रेकफास्ट अच्छा खासा है, हमने तो अभी फिलहाल कॉफ़ी ली थी और अब हम आ गए हैं वेज एरिया की तरफ। यहाँ पर भी अच्छी खासी लाइन लगी है और बहुत सारा ब्रेकफास्ट अलग अलग तरह मिल रहा है। तो ब्रेकफास्ट की लाइन के साथ जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हो, पूरे लाइट यहाँ पर नीचे आ रही है और लीट अप हो रहा है एक एक चीज़ यहाँ पर। थोड़ा ब्रेकफास्ट में वैरायटी तो बहुत सारी है, हम लोग भी यहाँ पर बस सारी चीज़ों को ले ही रहे हैं, एंड सलाद भी है, ब्रेकफास्ट भी है, आगे और भी बहुत कुछ है तो उसको भी कवर करता हूँ। तो यार इनके साथ अब अपन लेते हैं जैम, क्योंकि बिना इसके तो अपना काम होगा नहीं, तो ये वाला मैं लूँगा स्ट्रॉबेरी जैम। तो वहाँ से जैम निकाल लिया, बड़ी मेहनत लगी, और इधर ये और भी आइटम जो अपन लेते हैं। Few moments later. तो लो भाई अब अपन ने पूरा ब्रेकफास्ट ले लिया है, मेन्दू वड़े टाइप की कुछ चीज़ें हैं, एंड ये हमने स्टारबक्स पे देखा था बोस है, प्लस ये दही है फ्रूट के साथ, जैम तो एवोकाडो का लिया और बीन्स लिए हैं और ये चीज़ तो लिया है। बाकी सब ने भी अपने अपने डिशेज यहाँ पर ले ली हैं और अब बारी है इन सबको फिनिश करके आगे चलने की। तो लो यार अब मैं आ गया हूँ अपने जूस लेने, ग्लास लिया है उसको रखते हैं यहाँ पर, और मैं लूँगा ऑरेंज वाला। तो ओके भर आ गया। तो लो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो गया, साथ अपने पूरी गैंग भी मिल गई है, एवरी वन, और सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं फुल के एंजॉय। आगे डांस वांस करते हैं यार, पहले थोड़ा सा इमिग्रेशन का काम बाकी है, वो जाके निपटाते हैं, उसके बाद आएंगे फिर पार्टी करेंगे। Few moments later. तो अपना पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें ले ली, अब चलते हैं इमिग्रेशन कराने के लिए। तो यार इस तरफ आए थे, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, साथ में कुछ मेमोरीज वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग ढूंढ रहे हैं अपना पासपोर्ट, मतलब इमिग्रेशन के लिए कि कहाँ पर करवा सकते हैं। हालांकि आइसक्रीम काउंटर भी है और देख सकते हो अमीर लियोक करके है, और यह है पूरा व्यू बाहर का और ये इंटीरियर। तो आइसक्रीम वाइसक्रीम भी खाना हो, चॉकलेट्स खानी हो, तो उसके भी काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं अच्छे खासे। तो लो यार ये आ गया अपना कसिनो, जहाँ पे कि आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, बहुत भीड़ है यार यहाँ पे भी, अच्छा खासा बना रखा है ये। तो यार ये लोग सब लगे हैं लाइन में वीज़ा के लिए आई थिंक, और ये लगे कसिनो के, डॉलर ही डॉलर पड़े हैं यहाँ पर खूब सारे, उठा लो। बाकी यार ये वाला वो चेक है, तो अगर आप डॉलर का एक जुआ खेलना चाहते हो, 1,90,000 डॉलर भी यहाँ पे विन कर सकते हो। तो यार ये वाला पूरा देख सकते हो, सब इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगे हुए और वहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है, तो हम लोगों के भी वीज़ाज हैं, तो दुबई जाने के लिए जो इमिग्रेशन है वो यहीं पे ही कम्प्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर लगी है इमिग्रेशन की लाइन और मेरे दोस्त लोग भी आ गए हैं, तो यहाँ पर सब लोग मिल चुके हैं। हालांकि हम लोगों के जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे रख लिए उन्होंने, और अब वो शायद दुबई में जब हम लोग उतरेंगे तब वो लोग वहाँ पे देने वाले हैं रूम की फीस और बाकी डॉक्यूमेंट्स बस लेकर आ गए। बाकी अभी कहाँ पे चलिए, इसके बाद ये तो स्विमिंग पूल में चलने का प्लान बनाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं। One hour later. यार पासपोर्ट का वाला काम तो हो गया था,
मेयर को है ना जाना है मीटिंग के लिए, तो मीटिंग रखी है अभी इन्होंने डेक के उस तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम है, चार्जर ले लूँ, पूरे उसकी 12 बजे। लेकिन यार आ गया हूँ छत पर, रात का व्यू तो आपको दिखाया था, अब जरा दिन का व्यू भी देख लो क्या सही आ रहा है। ये देखो यार स्विमिंग पूल में सब लोग नहा रहे हैं, पता नहीं मैं कब आऊँगा। और ये रहा अपना पूरा व्यू इधर सामने की तरफ, तो बेस्ट है पर थक गया पूरा। क्रूज में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, और अभी वहाँ पे ऊपर भी चढ़ना है, बट मज़ा आएगा यार, एक बार आप भी क्रूज़ की जर्नी करेंगे। देखो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम क्रूज़ ही क्रूज़ पर भटकने वाले हैं, तो आपको क्रूज़ के खूब सारे ब्लॉग्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं पहले जाता हूँ ऊपर और वहाँ से फिर नीचे उतरता हूँ, पर उससे पहले एकदम टॉप व्यू में आ गए, हवा थोड़ी ज़्यादा है पर व्यू देखो। सो फाइनली यार अभी क्रूज चल रहा है, चल उस तरफ ना, इस तरफ जा रहा हूँ, हवा में नीचे में गिर जाऊँ, तो चलो ठीक है यार फटाफट जाता हूँ रूम में, और फिर मीटिंग भी है वो करता हूँ, फिर आते फिर लंच में भी जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं अभी तो, सब निपटाने पड़ेंगे। अरे मेरे को लग रहा है मैं भटक गया हूँ फिर से, है ना ये इधर आ गया, और ये देखो ये पीछे का व्यू है शिप के एंड पॉइंट का। चलो अब आए हो तो देखिए लो यहाँ तक, वाओ मैन ट्रेल देख रहे हो समुद्र के अंदर किस तरह आ रहा है, चारों तरफ से ब्लू ओशन अपने को देखने को मिल रहा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है तो कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ बाकी सब लोग पार्टी कर रहे हैं, आई थिंक ये है ना जकूजी है जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं टाइम मिले तो। ये देखो यहाँ से ये है शिप का एंड पॉइंट, जहाँ पे कि आप पूरा व्यू उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो यार वहाँ से मैं नीचे उतर के आया तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बेड्स टाइप के हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, पर यहाँ पे आप धूप सेक सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, और ये पूरे समुद्र के नज़ारे ले सकते हो। और अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो यार बच्चों का प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे, ये देखो उनके लिए भी एक अच्छा सा छोटा प्लेग्राउंड है, वो लोग भी बोर नहीं होंगे, और यहाँ पे भी ढेर सारे पड़े हैं, तो वहाँ जाके आराम से सिट डाउन करके अपना बैठ के चिल कर सकते हैं। इधर आ गया हूँ इस तरफ से खिलाते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा सर्विसिंग चल रहा है, तो अच्छा है यार, जंग वंग लग जाती लोहा है तो करो भाई मैनेज करो। और ये है पूरा व्यू भाई, ऐसे व्यू के लिए तो वर्थ इट लगता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरी थिंग वर्थ इट। One hour later. तो लो जी लो मैं तैयार हो गया हूँ स्विमिंग पूल में जाने के लिए, तो ड्रेस चेंज कर लिए, मीटिंग से भी हम लोग आ गए थे, अब हम लोगों ने अपना सामान ले लिया है, टॉवी ओवी ले ली है, शूज़ मेरे काम रहे हैं बोरे। चलो ये सब हो गया, अब इसकी रूम की लाइट ऑफ करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ओके एक बार इसको चेक कर लो, खुल तो नहीं रहा, नहीं परफेक्ट। तो यार स्विमिंग करने के लिए आप रेडी हैं, चलते हैं आपको ऊपर के पूल के नज़ारे दिखाता हूँ कि वहाँ से क्या क्या देखते हैं। तो लो यार पूल के लिए हम लोग आ गए हैं टॉप डेक के ऊपर, और यहाँ पर है अपने पास पूल, पर ये वाले पे जाते हैं दूसरे पे, वो भी देखना पड़ेगा, धूप थोड़ी हल्की सी है लेकिन मज़ा आएगा, अब देखते हैं कहाँ पर सामान वगैरह रखें और फिर चलते हैं इस तरीके के स्विमिंग पूल में। तो ये देखो सबकी टॉवल वॉवल सूख रही है, यहाँ पे लेट भी सकते हैं, मेरे को जाने का मन है इसमें, और एक ऊपर गर्म वाला है तो जकूजी टाइप है, तो वहाँ पर भी चल आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं यार काय में जाना चाहिए, और बाकी मेंबर्स को भी देखते हैं आ जाए तो थोड़ा मजा कर सकते हैं फिर हम यहाँ पे। सर तो गए आई थिंक सबको लेने करने थोड़ा सा, तब तक अपन लेटते हैं और थोड़ी सी धूप सेक सकते हैं। व्हाट अ डे यार, मतलब ये सारे दिन है ना थोड़ा सा ढूंढने पड़ते हैं, हालांकि मेरी आँखें बंद हो रही, चश्मा लाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा लेटते हैं भाई। अपने पास जो सामान है उसमें अपन ये वाले एक टॉवल लिया है, अंदर ही मिल गई थी ये, और ये कुछ कपड़े हैं जो कि बाद में पहन सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये वाला बैग है जिसके अंदर अपन ने अपना बाकी सामान भी है, तो इसको पड़े रहते थे। तो लो यार मैं तो ऊपर आ गया हूँ जकूजी में, गर्म है ये पानी तो ठीक ठाक है, मतलब जा सकते हैं, इसी जगह में रह गए, हालाँकि मैंने सामान भी यहाँ पर रख दिया है, और इसके अंदर ट्राई करते हैं। अब ये नहीं पता है कितना घेरा है क्या है, पर इसके अंदर जाता हूँ और फिर थोड़ी देर यहाँ पे शांति से बैठूंगा, ये इधर पूरा सूखा है। ओके तो गो इनसाइड। अच्छा इधर ये वो बना हुआ है इसमें, ये इधर पाव रखने का। देखते हैं इसमें कितना क्या है।
ऑल राइट है, इसमें खड़े तो हो सकते हैं आराम से, बढ़िया चीज है। थोड़ा सा नीचे जाओ तो बैठ सकते, अरे बढ़िया एकदम एक नंबर। सर आ जाइए, मजा ना भाई? अरे मजा एकदम बढ़िया लाइट, इसको रख देता हूँ, पीला हो जाएगा। Few moments later. तो देख सकते हैं यार सब लोग यहाँ पे नहाने आ गए हैं, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। सर और मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, और ये बता दूं कि ये जो क्रूज है ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज है जो कि मुंबई से दुबई के लिए यहाँ पे जा रहा है, 6,000 से ज्यादा मेंबर इसके अंदर ऑन बोर्ड है। आप सब लोगों को कितना मजा आ रहा है? चलो चलते हैं स्विमिंग पूल में रेस करने, हाई मारनी है सिर के बल, सिर के बल दौड़ना। रेडी? तो लो भाई यार वहां से तो आगे गर्म पानी से, अब आए ठंडे में, अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे अच्छा खासा। पर नमकीन बहुत तुम्हें भूख तो आया पानी में, नमक नमक ऐसा लग रहा है समुद्र से पानी उठा ही दिया है। तो चलो यार जाते, सब लोग एंजॉय करने में लगे। चलो मैं यार मैं भी फोन पर रखता हूँ और जाते हैं, और फिर बाद में आके शॉवर लेंगे। ऐसा धूप और ऐसा मार, और थोड़ा बैठ, और थोड़ा आप मार, ऐसे कैसे मार, और थोड़ा धूप धूप, अब सिर के बगल मार ऐसे। One hour later. तो यार हो गया भाई, बहुत खराब पानी ऐसा लग रहा है समुद्र का पानी डाल दिया। मैं जाता हूँ। तो लो भाई हम लोग नहा धो के आ गए, रेडी हो चुके हैं देख सकते हो, क्योंकि शाम को एक इवेंट है तो उसमें भी जाना है, और सोचा लो बाकी सब लोग भी हैं, फटाफट चलते हैं खाना वाना निपटाते हैं, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। सर अब भूख लग गई इतना सब मस्ती कर करके, बाकी कल सुबह फिर से ट्राई करते हैं, फिर सुबह सुबह जाएंगे वही सोना और स्विमिंग पूल दोनों वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे गेम्स भी खिला रहे हैं क्रूज के ऊपर, ये देख सकते हो, ओ थोड़ा सा रह गया पर बढ़िया है। तो यार हम लोगों को तो भूख लगी, हम तो खाना खाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा व्यू और दिखा देते हैं। ये रहा वो व्यू, और इस व्यू की तो यार अब आदत टल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब क्रूज पे रहना है तो ये व्यू तो नॉर्मल है और दिखता ही रहेगा। बाकी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, बाकी मैं इनको ढूंढता ही, सब लोग आगे निकल गए। आनेगा तो पता नहीं है, इवनिंग इसका टाइम हो गया है तो वो लेते हैं। हालांकि मुझे कुछ ब्राउनीज और दिख रही है, उनको भी कैटर करते हैं। तो लो यार मैंने ब्राउनी तो ले लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस सारे ले लूँ उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्लेट में लिया है। Few moments later. तो ये है भाई अभी का मेरा कह सकते हो इवनिंग का ब्रेकफास्ट, अब बीच का हमने तो खाना खाया नहीं था, और कॉफ़ी भी ले आया हूँ हॉट कॉफ़ी इसके साथ में, बस दही बड़ा भी देखने को मिला है। बाकी भी सब लोगों ने अपने बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर ले लिए हैं। तो लो भाई अब अपना खाना हो गया, और शाम का खाना आए तो खाना खा रहे थे, और शाम का चाय नाश्ता हो गया, और अब इसमें इतना पेट भर गया है, इतनी सारी आइटम हम लोगों ने खा ली है कि लग रहा है कि अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रात के खाने की। तो चलो उसको देखते हैं, हालांकि अभी प्लान है ऊपर जाने का, और देख सकते हैं और पीछे की तरफ लिटरली क्या लेवल है, मतलब इसको है ना देखो थोड़ा वो चाइना के जो टाउन्स होते हैं उस साइड की भी थोड़ी फीलिंग्स आ रही है, बट जो भी है बढ़िया है, और ये रेस्टोरेंट ही है सारे, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग भी। बाकी आई थिंक ये सब लोग पहले ही निकल रहे हैं। तो भाई ये है एंड इस क्रूज का, देखो दूध बह रहा है समुद्र में। ब्लूइश अच्छा है, और मतलब दोपहर में जो लाइट्स पड़ रही थी ना उससे तो और बढ़िया हो गया था, हवा भी तेज है अच्छी खासी, पूरा देखो कोने कोने क्या नजारा। Later that same evening.
1 hour later. तो यार हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं यहाँ पर देख सकते हो स्पा का सारा सामान है, इधर जिम भी है और यहाँ पर और ज़्यादा स्पा की चीज़ें हैं। तो ये देखो यारा जिम, जहाँ पे कि जिम कर सकते हैं, एरोबिक्स की भी क्लासेस हैं जो कि यहाँ पे दी जा रही हैं। और यहाँ पे आई थिंक इसका एंड डेक है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो अनाउंसमेंट तो हुआ था कुछ बॉलीवुड का और इसी थिएटर में वापस आ गया हूँ मैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या। तो यार अगर पूरे थिएटर की बात करें तो खचाखच भरा है, फिल है, पर हम लोगों को मिल गई एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह। अरे यार वो भी चली गई, कोई और बैठ गया, और कोई बात नहीं, हमारे पास और भी टेबल है, यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से इंजॉय करते हैं इस पूरे व्यू को। देख सकते हो कि थिएटर के अंदर कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो यार अगर मैं शिप की बात करूँ ना तो शिप हिलने लग गया है, सुबह इतना नहीं हिल रहा था और पता भी नहीं पड़ रहा था, बट अभी शाम को इससे ना थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। और मैंने बालकनी भी खोल के देखी थी क्योंकि हम पहले रूम में गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, उसकी वजह से हिल रहा होगा। थिएटर के अंदर बैठे हैं फिर भी चीज़ें हिल रही है, सोचो। अरे टॉप पर तो काम नहीं आएगा, नीचे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तुम सर गए हैं, मैं भी जाता हूँ थोड़ा सा नीचे। थिएटर में अलग ही लेवल का माहौल है भाई। Thank you.
अच्छा तो यार थिएटर में भीड़ तो आप देख ही सकते हो, सबका एक्साइटमेंट क्या था जब शोज यहाँ पे चल रहे थे। हम लोग भी यहाँ पे नीचे आ गए और अच्छे खासे शोज को एंजॉय कर रहे हैं, देखते कुछ और शो होते कि नहीं। पर ये बॉलीवुड पार्टी है जो कि यहाँ पे सेट पे चल रही है, तो यार ऊपर बॉलीवुड की तो देख के आ गए ना, नीचे डीजे पार्टी चल रही है वो देख रहे हैं। उससे मैंने एक ब्यूटीफुल स्क्रीन मिला मुझे, Few moments later. लो भाई अब डिनर के लिए भी आ गए हैं, 11 बज चुकी है, अभी लग रहा है बंद ना हो गया यार 11 बजे होता है। और डेक पे आ गए ऊपर 9th पे, लेकिन यहाँ पे चल रही है पार्टी। यहाँ से भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो सीधे से पार्टी कर रहे हैं, खा ले उसके बाद में पार्टी करते हैं। तो यार अगर खाने के टाइम की बात करें तो ये कुछ टाइमिंग है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग में जाकर आप ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम, डिनर ये सभी को देख पाएंगे। तो लो भाई रात हो चुकी है, अब डिनर का टाइम है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है और ऑलरेडी वहाँ पे कुछ गिरा, बट कोई बात नहीं यार, गलतियाँ तो होती रहती है। तो पता नहीं यार क्या क्या लिया है, अब ये सैलड टाइप का लिया है, बाकी दाल चावल अपना जो है और ये भरता ही लग रहा है, बट ये रोटी कहीं से कहीं नहीं लग रही, कुछ और ही डिज़ाइन बना है, बट कोई बात नहीं, देखते क्या टेस्ट होता है। वैसे खाना टेस्टी है जितनी बार भी अभी तक खाया है, तो आज का ये आखिरी खाना और इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। हम मिलते हैं अब कल अगले दिन, और अगले दिन देखते हैं कि क्रूज़ पर क्या क्या होने आ रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर। तब तक हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।